ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव जगदीशपुर की, जहां काफी समय से अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण गांव में पिछले कई सालों से कोई तरक्की नहीं हुई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसी गांव के एक नौजवान लड़के ने वर्षों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए गांव वालों की आंखें खोल दी। उसने न केवल लोगों के मन में कई वर्षों से चली आ रही अज्ञानता और रूढ़िवादिता को समाप्त किया, बल्कि गांव के लोगों को विकास की एक ऐसी राह दिखाई जिससे कुछ ही वर्षों में वो गांव सबसे खुशहाल और समृद्ध बन गया और दूसरे कई गांव के लिए एक आदर्श गांव बन गया। जानना चाहेंगे आखिर ये हुआ कैसे? आइए देखें कैसे गांव की तकदीर बदली। एक था बुधिया, कहानी एक खुशहाल गांव की। राम राम मुखिया जी। राम 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 राम। अरे बुधिया, तुम पार्वती, नन्हे मिश्री, तुम सबके सब आओ आओ, बैठो बैठो। और बताओ, आज अचानक तुम सबका कैसे आना हुआ? वो क्या है ना मुखिया जी, सुना है गांव में परमाणु बिजली घर आने वाला है, क्या ये सच है? हाँ भाइयों, सुना तो मैंने भी है, लेकिन तुम सब इतना परेशान काहे हो? अरे ये तो हमारे गांव के लिए बहुत अच्छी बात है। ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी? हाँ, हमने तो सुना है कि उससे बहुत सारा विकिरण निकलता है जिससे कि हम सबकी मौत हो जाएगी। क्या? यहाँ तक कि हमारे बच्चे और जानवर भी विकलांग पैदा हो सकते हैं। ये क्या कह रही हो पार्वती, अगर ऐसा होता तो वहाँ पर काम करने वाले भी सभी लोग मर जाते। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, हमें उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि हम सब जिस सूर्य भगवान की उपासना करते हैं उनसे भी विकिरण निकलता है? तुम जिन मकानों में रहते हो उससे भी विकिरण निकलता है, यहाँ तक कि तुम जो खाते हो, पीते हो, टीवी देखते हो, रेडियो सुनते हो या फिर अपने मोबाइल से बात करते हो, इन सभी चीजों से विकिरण निकलता है। इसे देख रही हो, ये कौन है? ये मेरा पोता समीर है, आज ही शहर से आया है, आगे की बातें तुमको समीर बताएगा। आओ बेटा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। क्यों पार्वती काकी, पहचाना मुझे? अरे हाँ, ये तो समीर है, इतना बड़ा हो गया। दादाजी बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं, दरअसल विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो संसार की प्रत्येक वस्तु में विद्यमान होती है। और हाँ, जहाँ तक परमाणु बिजली घर से निकलने वाली विकिरण की बात है तो वो तो बिल्कुल ही नगण्य है, यानी न के बराबर, समझे? अच्छा मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने अपना एक्सरे निकलवाया है? क्या आपको पता है कि एक बार एक्सरे कराने पर जितना विकिरण आपके शरीर को लगता है वो लगभग 20 साल तक परमाणु बिजली घर में काम करने या उसके आसपास रहने के बराबर होता है? अच्छा, लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि परमाणु बिजली घरों में काम करने वाले और इसके आसपास में रहने वाले लोगों को सभी प्रकार के कैंसर का खतरा होता है। मिश्री काकी, आपने बिल्कुल ही गलत सुना है, केवल परमाणु बिजली घर में काम करने या फिर इसके आसपास रहने से कोई कैंसर नहीं होता है। मिश्री काकी, अगर ऐसा होता तो वहाँ कोई काम ही नहीं करता। और हाँ, पिछले साल आप ही के गांव के 4 लोगों की मौत तंबाकू खाने से मुंह के कैंसर के कारण हुई थी, जबकि परमाणु बिजली घरों में सुरक्षित उपकरणों और वस्त्रों के उपयोग से वर्षों तक कार्य करने के बाद भी लोगों को कुछ नहीं होता है। इसके विपरीत विकिरण का प्रयोग सीटी स्कैन और एमआरआई के जरिए कैंसर के रोगों का पता लगाने और उसके उपचार में भी किया जाता है, समझे? लेकिन बेटा, कल सविता बता रही थी कि परमाणु बिजली घर के आसपास रहने वाली महिलाएं विकिरण के कारण कभी मां नहीं बन पाती हैं, उन्हें बच्चा पैदा नहीं होता है, क्या ये सही है? पार्वती काकी, सविता काकी बिल्कुल ही गलत बात कह रही थी, ये सब अफवाह है, इसीलिए विकिरण आपका दोस्त है, शत्रु नहीं, समझी काकी?
और बुधिया काका आपको याद है कि पिछले साल संक्रमित सुई के कारण गांव में रहने वाले राम नरेश के पुत्र सरयू की मौत हो गई थी, लेकिन सुई को विकिरण की मदद से संक्रमित होने से बचाया जा सकता है और इसको कई बार इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है जिससे किसी भी व्यक्ति या पशुओं को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन समीर बेटा, हमारे गांव में परमाणु बिजली घर ही क्यों? क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता जिससे कि हमें बिजली प्राप्त हो सके? क्योंकि हमने सुना है कि परमाणु बिजली घर के कारण हमारे आम के बाग, खेत, फसलों और मछली पालन पर बुरा असर होगा। बहुत अच्छा सवाल किया है बुधिया काका ने। दरअसल बिजली बनाने के लिए और भी बहुत सारे विकल्प हैं, परंतु परमाणु ऊर्जा से बनने वाली बिजली काफी स्वच्छ और किफायती होती है। इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। आपके फलों के बाग, खेत और मछलियाँ सभी सुरक्षित रहते हैं, जबकि कोयले और अन्य स्रोतों से बनाई जाने वाली बिजली से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। वायुमंडल में हानिकारक गैसें एकत्रित हो जाती हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और एक बात, बाकी स्रोतों से बिजली बनाने के संसाधन सीमित हैं, जबकि प्रचुर मात्रा में संसाधन होने के कारण परमाणु ऊर्जा से हम कई वर्षों तक बिजली का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि विकिरण का उपयोग फलों को जल्द सड़ने से बचाने में, आलू प्याज को जल्द अंकुरण से बचाने में और दाल, चावल, मटर इत्यादि फसलों में लगने वाले कीटों से बचाने में भी किया जाता है, जिससे आपकी फसल ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सकती है। और तो और, विकिरण से आपके बीजों की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। लेकिन बेटा, एक बात बताओ, हमने सुना है कि सौर ऊर्जा और पवन चक्की से भी बिजली पैदा की जा सकती है, ऐसे में हमें परमाणु ऊर्जा से ही बिजली क्यों चाहिए? नन्हे काका, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। निसंदेह हम सौर ऊर्जा और पवन चक्कियों के द्वारा भी बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन दोनों स्रोतों से बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जमीन की आवश्यकता होगी। दूसरा, सौर ऊर्जा के लिए हमें दिन में तो सूर्य भगवान मिल जाएंगे, लेकिन हम रात में बिजली कैसे उत्पन्न करेंगे? और जहां तक पवन चक्की की बात है, तो उसके लिए हर समय हवा के सही प्रवाह और नियंत्रण की जरूरत होती है, जबकि परमाणु बिजली घर के लिए कम जगह की जरूरत होती है और बड़े पैमाने पर 2400 घंटे बिजली पैदा की जा सकती है, समझे? और हाँ, इससे बनने वाली बिजली की लागत भी काफी कम होती है और वो किफायती भी होती है। लेकिन बेटा, हमने तो ये भी सुना है कि परमाणु ऊर्जा काफी खतरनाक होती है और संकट के समय में इससे काफी जान माल का नुकसान होता है। पार्वती काकी, क्या आप जानती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो है आग। जी हाँ, आज से 8 लाख वर्ष पूर्व जब सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ था, तो उससे निकलने वाली ऊर्जा से हजारों लोगों की मौत हुई थी और संपत्तियों का नाश हो गया था। लेकिन आज एक छोटा बच्चा भी अपनी जेब में माचिस लेकर बड़े आराम से घूमता है। जानती हैं क्यों? क्योंकि हमने इसको सही तरीके से उपयोग में लाना सीख लिया है। इसी प्रकार पूरी तरह से सुरक्षा और सावधानी से अगर कोई भी काम किया जाए तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सकता है। इसके अलावा कई बार हजारों लोग रेल और हवाई दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या लोग रेलगाड़ी और हवाई जहाज में जाना बंद कर देते हैं? साथ ही हर वर्ष हजारों लोग बाढ़, भूकंप, भूस्खलन या फिर आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटना में भी अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए अपने मन से इन सब बातों को दूर भगाइए और अच्छी चीजों का स्वागत कीजिए। लेकिन समीर बेटा, परमाणु बिजली घर से हमें क्या फायदा होगा? सुना है सरकार तो हमारी जमीन भी लेने वाली है, हम क्या खाएंगे और रहेंगे कैसे? देखिए काका, अगर सरकार आपकी जमीन लेगी तो उसके बदले आप सबको उचित मुआवजा भी मिलेगा। आप सबको पुनर्व्यवस्थित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और जरा सोचिए कि परमाणु बिजली घर लगने के बाद गांव की कितनी तरक्की होगी। जहां आपके गांव में 5-6 घंटे बिजली आती है, वहीं 24 घंटे बिजली आएगी। गांव में आपके बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय बनेंगे, जहां आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अस्पताल का भी निर्माण होगा, जहां आपको निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पक्की सड़कें, पानी, सामुदायिक केंद्र और लगभग सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कुल मिलाकर आप सबकी तरक्की होगी और आपका गांव खुशहाल बनेगा। बेटा, ये सब तो ठीक है, मगर एक बात बताओ कि ये परमाणु बिजली घर कितने सुरक्षित है?
तब क्या होगा जब भूकंप या सुनामी आ जाए? ऐसे में हमारा क्या होगा? अरे शांत हो जाइए। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में जितने भी हमारे परमाणु बिजलीघर हैं, वो सब के सब सुरक्षित हैं। उनका पूरी तरह से विभिन्न चरणों में परीक्षण करने के बाद ही सरकार से निर्माण की मंजूरी मिलती है। जिस जगह परमाणु बिजली घर लगाना होता है, उस जगह पर कई वर्षों तक उसकी भौगोलिक स्थिति का पता लगाया जाता है। अगर वहाँ पर भूकंप या सुनामी आने की जरा सी भी संभावना होती है, तो सरकार वहाँ पर परमाणु बिजली घर लगाने की अनुमति नहीं देती है। और हाँ, अगर आपको याद हो, जब हमारे देश में गुजरात में भूकंप और चेन्नई में सुनामी आई थी, संकट की उस घड़ी में भी हमारे परमाणु बिजली घर चट्टान की तरह अडिग और सुरक्षित थे और बिजली का निर्माण सुचारू रूप से कर रहे थे। लेकिन समीर बेटा, आखिर हमें परमाणु बिजली घर क्यों चाहिए? हम सब तो ऐसे ही ठीक हैं। हमारा काम तो खेती और मछली पालन है, हम तो वही करना चाहते हैं। हमें आखिर बिजली क्यों चाहिए? हाँ बेटा, वर्षों से हमारे बाप दादा और परदादा भी इसी व्यवसाय में थे, आज हम भी इसी व्यवसाय में हैं और अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। आखिर हमें इससे क्या फायदा? हमारा काम तो चल ही रहा है। हाँ, हमें तो सुबह शाम की रोटी और तंग ढकने को कपड़ा मिल जाता है, हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ हाँ, हम तो अच्छे से अपने मकानों में खुशी खुशी रह रहे हैं, फिर हम क्यों फिक्र करें? वाह, क्या खूब बात कही आप लोगों ने। अगर सब लोग आपकी ही तरह सोचने लग जाते तो आज भी हमारा देश जैसे 60 साल पहले था वैसे ही रहता। आज आजादी के 60 साल बाद भारत का नाम विश्व के चुनिंदा देशों में लिया जाता है। जरा सोचिए कि हर आदमी, अगर आप और आपके बाप दादा ही की तरह गांव में रहकर खेती या मछली पालन करता, तो क्या हमारे देश में चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी या उद्योगपति बन पाते? आप अगर बीमार होते तो आपका इलाज कौन करता? आपके लिए रोजमर्रा की जरूरत के सामान का निर्माण कौन करता? नए नए आविष्कार कौन करता? आज भी आजादी के 60 साल बाद आपकी सोच नहीं बदली है। आज भी आप अंधविश्वास और अज्ञानता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। बुधिया काका, देश में विकास का होना बहुत जरूरी है, जिसका सबसे बड़ा आधार बिजली है। अगर हमारे देश में बिजली बनेगी, तभी हमारे देश की उन्नति होगी। आपके गांव में बिजली आएगी तो आपके ट्यूबवेल ज्यादा से ज्यादा सिंचाई कर सकेंगे। अत्याधुनिक ट्रैक्टर और गुणवत्ता वाले बीजों की मदद से आपके खेत पहले से 10 गुना अधिक फसल पैदा करेंगे और आपका जीवन स्तर सुधरेगा। पार्वती काकी, सिर्फ दो वक्त की रोटी बहुत नहीं होती है। आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिलती है, उनको उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, बीमारी के समय डॉक्टर के अभाव में उनका सही इलाज नहीं होता है। कब तक आप हकीम और बाबाओं के माया जाल में फंसकर अपना नुकसान करवाएंगी? आखिर कब आपकी आंख खुलेगी? गांव के विकास से आपके बच्चों का विकास होगा। आपके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनेंगे। जरा सोचिए, आपको कितनी खुशी मिलेगी। आपके गांव का भी नाम होगा। और मिश्री काकी, छप्पर के घरों में रहने से आप खुश रह सकती हैं, आपके बच्चे नहीं। आज भी आप 60 साल पुरानी दकियानूसी बातों में उलझे हुए हैं। आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है। भारत में एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक, एक से बढ़कर एक चिकित्सक, इंजीनियर, खिलाड़ी और उद्योगपति हुए हैं, जिन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। और एक आप लोग हैं जो आज भी लकीर के फकीर बने हुए हैं। अगर उन लोगों ने भी आपकी तरह ही सोचा होता तो हमारे देश का आज क्या हाल होता? मुझे ही देखिए, आज मेरे माँ बाप ने मुझे शहर भेजकर पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो शायद मैं भी आप ही की तरह आज गांव का एक अनपढ़ व्यक्ति होता और इधर उधर मारा मारा फिरता। आज वक्त आ गया है, हमें फिर से एकजुट होकर सोचना होगा कि हमें देश और गांव का विकास चाहिए या फिर हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे और हमारे बच्चे भी अनपढ़ रहेंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आपको विकास चाहिए तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बिजली का उत्पादन। जितनी ज्यादा बिजली बनेगी उतना व्यवसाय होगा, कारखाने लगेंगे, तभी गांव की तरक्की होगी और देश खुशहाल होगा। अब फैसला मैं आप सब पर छोड़ता हूँ कि हमें विज्ञान और अंधविश्वास में से किसे चुनना है। आप खुद ही मिलकर सोचिए कि आप सबको अब क्या करना है। और मिश्री काकी, एक बात और, हम सब यहाँ बैठकर इतनी बातें कर रहे हैं,
कि परमाणु ऊर्जा खतरनाक है, इससे विकिरण निकलता है, जबकि परमाणु बिजली घर में काम करने वाले हमारे इंजीनियर अपने परिवार के साथ वहाँ भली भांति कई वर्षों से रहकर देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा सारा भ्रम अब दूर हो गया है। वर्षों से हम अपनी जिस रूढ़िवादिता और अज्ञानता के बंधन में बंधे थे, तुमने आज उसी बंधन से हमें आजाद कराया और एहसास दिलाया कि हमें आज अपनी मानसिकता और सोच को बदलने की जरूरत है, और इसके लिए अब हम सब तैयार हैं। और हाँ, एक बात और, कोई कितना भी आपको बहकाए या परमाणु बिजली घर के बारे में गलत प्रचार करे, आप सबको उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, समझे? समझ गए समीर बेटा। बेटा, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी और हमारे सारे शक और गलतफहमी को बहुत ही अच्छी तरह से दूर कर दिया, और बेटा हमें एहसास दिलाया कि हमें भी देश के विकास में अपना योगदान देना होगा। हम सब तैयार हैं अपने गांव को खुशहाल बनाने और देश की तरक्की में भागीदार बनने के लिए। हाँ, आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है कि परमाणु बिजली घरों के आसपास स्वच्छ और हरित पर्यावरण होने के कारण लाखों पंछियों और तितलियों ने भी इन्हें अपना निवास बना के रखा है। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर तो हमें भी परमाणु बिजली घर घूमने की इच्छा हो रही है। क्या हम सब भी परमाणु बिजली घर जाकर देख सकते हैं? क्यों नहीं काका, आप जब भी चाहें मैं आपको परमाणु बिजली घर की सैर करा सकता हूँ, ताकि आप लोगों को और भी कई बातों को करीब से जानने का मौका मिले। तो देखा आपने, ये सब तो तैयार हो गए, अब आपकी बारी है। समीर की बातें सुनकर बुधिया और अन्य गांव वालों ने परमाणु बिजली घर की सैर करने का मन बनाया। क्या हुआ जब बुधिया और गांव वालों ने परमाणु बिजली घर की सैर की? उन्हें वहां सैर करके कैसा लगा? उन्होंने वहां जाकर क्या देखा? जानने के लिए प्रतीक्षा करें अगले अंक की। बुधिया की सैर, कहानी परमाणु बिजली घर के सैर की। अणु ऊर्जा, देश की ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ भारत।